ये चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए जरा। राजनीति शुरू की ओदिया पैड़ा ओदी जड़ी विशालता जिनू कह लो जे नफरत वाले जड़े बीज इन्होंने मुल्क च बोए आ वह हुण मुल्क तो बाहर भी जड़ा है उहदा प्रभाव सामने आउण लग गया। जिस तरीके नाल पिछले दिनां च अरब कंट्रीज के कुछ मुल्कां ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर द्वारा मुहम्मद साहब के बारे गलत टिप्पणी नूं लैके साडे मुल्क की बदखोई हुई है, बेइज्जती की है, उहदे लई जिम्मेवार अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार है। हालात ये हो गए कि कुछ मुल्कां ने हिंदुस्तान नूं माफी मंगण वास्ते क्या है। हिंदुस्तान इसकी जिम्मेवार नहीं है, इसलिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर है जिन्होंने अज इंटरनेशनल लैवल से भी जिहड़ा देश नूं जिहड़ा है देश का सिर जिहड़ा शर्म नाल झुकाउण लई मजबूर किया। जिस तरह मैं पहला दस्या अनेकता च एकता साडी खूबसूरती है। साडे संविधान कहिंदा है सारे धर्मां दा सत्कार करना, हरेक इंसान नूं अपना धर्म मन्नण दी आजादी देना, यह साडी खूबसूरती है, साडे मुल्क दी ताकत है। लेकिन वोट बैंक दी पॉलिटिक्स, अन्नेवाह, धार्मिक कट्टरता, उहदा नतीजा हो रहा है भी अरब कंट्री जिथे साडे करोड़ां नौजवान नौकरियां करदे आ, करोड़ां नौजवान अज उन्हां दी नौकरी ते भी जिहड़ा सवाल खड़े हो गए, उन्हां दे रोजगार ते भी सवाल खड़े हो गए आ, सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नफरत की गंदी राजनीति के कारण। एक पासे ते मुल्क जिहड़ा भारत साडा देश 45 साल च सब तो वध जिहड़ी बेरोजगारी मुल्क च फैल गई, इस मुश्किल हालात जिथे देश की सरकार नूं महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिदा है, जिथे नौजवानों नूं नौकरी देण दा काम करना चाहिदा, एजुकेशन देण दा काम करना चाहिदा है। लेकिन बीजेपी की गंदी राजनीति ने अज अरब कंट्रियां च 1 करोड़ तो वध जिहड़े साडे नौजवान नौकरियां करते उन्हां लई भी खतरा खड़ा करता ते और जिहड़ी नफरत का दायरा वधाया। 50% तो वध असी तेल मुल्कां तो खरीददे हां ते मेरा बीजेपी नूं सवाल है तुसीं किहड़े पासे लैके जांदे हो। हिंदुस्तान दे लोक ते पहले ही जूझ रहे महंगाई करके, आम बंदे नूं 2 रोटी कमाउणा जिहड़ा आ उहदे लई मशक्कत करनी पै रही है, मुश्किल हो रही है। लेकिन जिस तरीके नाल नफरत की राजनीति ने, इस कट्टरता की राजनीति ने देश नूं देश का सिर शरण चुकाया, वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और असी इस सारी हरकत ली बीजेपी ली उन्हें कंडेम करते हैं। अगर अब माफ़ी कोई मंगे तो भारतीय जनता पार्टी और इसकी लीडरशिप मंगे। साडे जिहड़े एंबेसडर है, साडे जिहड़े ऑफिसर उत्थे तैनात है, उन्हां नूं समन किया जा रहा है, उन्हां नूं बुलाया जा रहा है और उन्हां नूं कहा जा रहा है भी माफ़ी मंगे। देश क्यों माफ़ी मंगे, इहदे लई अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ ते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इहदी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी नूं इहदे लई माफ़ी मंगनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों तो भी माफ़ी मंगनी चाहिए आ। और इस तरीके से जिहड़ी नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाऊगी, और आने वाले टाइम जिहड़े साडे मुल्क के लोग है इन्हां नूं सबक भी सिखाउणगे। और जिस तरह मैं पहला भी कहा है ये इस मुल्क की खूबसूरती है, संविधान साडा ये कहिंदा अनेकता च एकता, सारे धर्मां दा सत्कार करना, हरेक इंसान नूं अपने धर्म मन्नण दी आजादी, भाईचारा, समानता, ये साडे इस मुल्क की खूबसूरती है। और बीजेपी की इस नफरत की राजनीति लई असीं उहदा क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं और उन्होंने कहने वो माफ़ी मंगण, मुल्क तो माफ़ी मंगण। यही करके अज तुहानूं इस इशू करके तुहानूं बुलाया सी, तुहाडा कोई सवाल होवे तां पुछो।
देखिए मूसावाला साहब जड़ा दर्दनाक मौत हुई है दुखदाई उन्हें लैके पंजाब पुलिस बहुत संजीदगी नाल जिहड़ी तफतीश जारी है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ क्लू भी उन्होंने मिले आ, और मैनू लगता भी बहुत जल्दी जड़ा आ साजिश का पर्दाफाश हो जूगा, क्योंकि ये पूरी जी तफतीश है मैनू लगता इस पर बहुत ज़्यादा हजे सानू बोलण की लोड़ नहीं, जिन्ना चिर साडियां जिहड़ियां कंसर्न एजेंसीज है जां पंजाब पुलिस है वो पूरे एक नतीजे ते नहीं पहुँचते। तो आपको बता दें कि जो अरब कंट्रीज में भारतीय राजदूतों को तलब किया गया है और माफी मांगने की मांग की गई है, इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी का पक्ष सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो माहौल बना है ये भारत में महज बीजेपी पार्टी की वजह से, बीजेपी पार्टी की सरकार की वजह से बना है, इसलिए कोई कहे कि अगर भारत को माफी मांगनी चाहिए ये गलत है। इस पूरे मामले में बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, ये बात कही है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर कंग ने। तो फिलहाल यार रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी है।